वालेकुम अस्सलाम कप्तान साहब। आज खाने में क्या मिला? बस यही पूछ पूछ के जान ले लो हमारी, तुम लोग गोलियां चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी बता दो यार, आज दाल गोश्त में कुछ निकला क्या? हाँ, दाल गोश्त में विलायती सिजलर निकले हैं, कटोरा लेके आ जाओ। कोई नहीं, तेरे भी दिन आएंगे। एवरी पाकिस्तानी सोल्जर्स इस डे। हाँ तो समझ लो आज ही वो दिन है। मतलब शादी के लिए कोई लड़की मिली गई? कप्तान तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी शादी और लड़की को लेके मजाक ना किया करो। अरे मैं तो दाव दे रहा हूँ तुम्हें, पांच पांच बहनों की शादी कराते कराते तुम्हारी उम्र भी पांचों के बराबर हो गई, फिर भी अल्लाह मेहरबान नहीं हो रहे। बोल लो कप्तान साहब। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन लड़की मिल गई ना शादी के लिए, देख के फट के हाथ में आ जाएंगी आंखें। क्यों डरा रहे हो यार? लड़की ला रहा हो या मिसाइल? पर भाई लाने से पहले अपना लॉन्चर चेक कर लेना, कहीं तुम्हारे लॉन्चरों की तरह फुस ना हो जाए। टेंशन नॉट कप्तान साहब, जिन लॉन्चरों की तुम बात कर रहे हो ना, वो लॉन्चर विलायती थे। ये जो लॉन्चर है 100% मेड इन पाकिस्तान है। एक बार चल गया ना तो फूट गरी मानेगा। यार छोड़ो, खान साहब का क्या हाल है? अरे भाई, ये खाने के वक्त जमाल गोटे का जिक्र कहाँ से कर दिया तुमने? जुकाम हो गया उसको, तो गए डॉक्टर के पास, आते ही होंगे। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज, वरना टिकट भी नसीब ना होंगे खाने में। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। आप दोनों तो मतलब ऐसा रिलेशन? मैडम, वॉर और जंग अपनी जगह है, इस पार या उस पार है तो दोनों इंसान ही, ये इंसानियत के रिश्ते। तो कैप्टन राज, क्या आपको लगता है कि वॉर होनी चाहिए? नहीं, और इनके साथ तो बिल्कुल नहीं। ये बेचारे तो खाने के चक्कर में ही मर रहे, और ऊपर से हम गोली और मार दे। मैं तो चाहता हूँ इन बेचारों को एक बार मुर्गे की दावत दूँ, और वैसे भी लड़ाई से किसका फायदा होगा? Profits, huge profits for you. Now here's the deal: we give you the arms and the ammunition, we support you. I told you, don't think about it. That's the condition. Mr. Sean, $5 billion? Please, Sean ji. Hey, I gave you 20% off for Thanksgiving. You guys go out there and spend millions and millions and millions and millions on those Commonwealth games, and you can't come up with $5 billion for war? I know what. Maybe you can slice a little bit off your commission, eh? No cutting commission, sir. My commission fully set. Fully set. Please, sir. What do you mean, please? What do you mean, please? There's no option. Hey. Now we're talking. Well, my little chocolate Chiquita. Here's why. You guys can get the guns on EMI. Yeah. And the bank. We will do it, sir. Yes, sir. We will do it, sir. Okay. We give you guys the guns and ammo free of charge. You guys give us an air base in the Sindh province. अरे खुदा की कसम, इतनी खराब इंग्लिश बोलता है। अबे अबे क्या बोल रहा है? सिंध में एयरबेस मांग रहे हैं। सिंध में एयरबेस? अरे एयरबेस क्या, रेस कोर्स बना दो माल को। अरे सिंध क्या होता है, पूरे पाकिस्तान में क्या बक रहे हैं आप? व्हाट इज दिस? जनरल साहब, समझने की कोशिश कीजिए। क्या जिंदगी भर दाल गोश्त खाने का इरादा है? नहीं, बात करो, बात। एक्सक्यूज मी जनाब, 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 वी आर वांटिंग लिटिल मोर मनी। व्हाट? यू गॉट टू बी किडिंग, आई जस्ट गेव यू $2 billion इन एड्स। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर एड्स किसी को नहीं है। नॉट एड्स, इडियट, एड, एड। अमा वो बोल रहा है, अभी जो दिए थे पैसे उनका क्या हुआ? जनरल साहब, आप तो मुल्क की हालत जानते हैं, बरखुरदार समझाओ इसे। ही स्टिल नीड्स मनी, मोर मनी। यू ऑलराइट, टेक द मनी। देखा, मान गया। भिखारी भी तो भूल गया। बैगर जानो,
मैडम ये देखना चाहती है कि देश के खातिर हम कितनी मेहनत करते हैं, तो दिखा दे क्या? Yes, sir! सब तैयार है? Yes, sir! Good! तो ड्रिल स्टार्ट करो, इतना बम दिखाओ कि दुश्मन के फटने की आवाज यहाँ तक आए। क्या कर रहा है? दूरबीन लेके दुश्मन देख रहा है कि जनानियां ताड़ रहा है? जनाब, दुश्मन फौजी ड्रिल कर रहे हैं। कैला बिल, कैला बिल भरना भी? ये बहुत खतरनाक है जनाब, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, फाड़ के रख देगा। ओए खतरनाक का पहाड़ा क्या पड़ रहा है कुरेशी, तुझे तेरी चाची की कसम, बताना क्या खतरनाक? जनाब तारों के नीचे से गुजरना है जनाब। तू भी एग्जाम ले रहा है, मैं दोपहर में तारे कहाँ से लाऊं? झंडों में से निकाल ले जनाब। हाँ जी तारे जनाब, तारे वायर। ये तो बड़ा बारीक काम है बेटा मनहूस, ये काम है। क्या काम है बताता हूँ, चल तो सही। जवानो जी जनाब, बहुत बारीक का काम है। इस तार के नीचे से ऐसा क्रॉस करके रेखते हुए उधर को जाना है। जनाब ये तार कुछ ज्यादा नीचे तो नहीं है? अरे तू घुस तो सही पहले मनुष्य की औलाद, तू झुक झुक, तू उस नीचे गर्दन नीचे कर, गर्दन पे मरने वालों तुम्हारा कोई नहीं है शादी। ऐसे ही रेखते रहे तो एक दिन दिल्ली में छोले खाएंगे हम पाकिस्तानी। शेरो मेरे जवानों, जनाब जितनी चादर होती है उतने पैर फैलवाइए जनाब, रुमाल से काम चला है यहाँ। बरक बरक पे हमारा ये पैगाम लिख देना जनाब, हमारे पास अगर कलम है तो उनकी कफन पे पाकिस्तान लिख देना। वेरी गुड। ओ यार ये हमेशा मरने और शहादत वाली शेर की सुनाता है। अरे भाई खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो यार, आई कहो कैसी रही? भी सही रही। भाई साहब ऐसा कपड़ा पहनने से कोई नहीं पहचानेगा ना। वो गडरिये का बच्चा तो हमें पहचान गया था। और याद बदलाओ उसकी मादर को पूछो, मेरा असला ले गया साले, मेरा मुंह मिले का तुम्हें मेरा कितना बेइज्जत हुआ मालूम? सोच के रोना आता है मुझ को। इस बार मिल गया तो फल खींच लूंगा। ले लो मिल गया। संग में होगी। अब आखिरी वाले। ओ कौन है वही तू? कौन है तू? मियां सूरमा भोपाली नाम है हमारा। सूरमा भोपाली। कौन है तू? ना तो ये भोपाल है ना तेरी आंखों में सूरमा, और तू है कौन? अब तू बोलेगा तो बकरी चरा रहा था। भाईजान वो भी बकरी चरा रहा था। नहीं भाईजान वो तो बकरा था। भाई तुम तो पीछे खा रहा था, तुमने क्या घंटा देखा? हाँ भाईजान मैंने घंटा देखा उसके गले में। और बकवास नहीं कर रहे, इसका बस तो चेक कर। लाहौर जिला कुवत खान पार्टी, आप क्यों तकलीफ करते हैं? हम खुद ही पेशे खिदमत करते हैं। तो ये क्या है? ये सूरमा है, इसको आँखों में लगाते हैं। एक बकरी वही तो नहीं? नहीं भाईजान वो तो बकरा था कसम अल्लाह की। चलो इसका सूरमा लगा के देख लेते हैं, पता लग जाएगा बकरी थी कि बकरा था। और सूरमा वाले और लगाओ ये सूरमा। झुको। ओए पठान किसी के सामने नहीं झुकता, तेरे को मालूम नहीं क्या खबीस जलील आदमी। मियां जरा गधा बनोगे? आओ आओ। ओए तो पठान को खचर बनने के लिए बोलता है? ये खचर नहीं बनेगा, घोड़ा बनेगा। कुछ भी बनना मर्जी आपकी। मेरा चंदा, मेरा लाल। वाह! इसको ला दो, तूने क्या लगा दिया आँखों में? अरे दूर का तो छोड़, पास का नजर नहीं आता। मदर को पूछू, हराम जादे तूने क्या लगाया? सूरमा लगा के सूरमैस बना दिया मेरे को। मैडम ये अपने कैप्टन राज कमाल है ना? मतलब? मतलब क्या पर्सनैलिटी है एकदम सॉलिड। व्हाट सॉलिड? इतनी भी खास पर्सनैलिटी नहीं। वैसे मंत्री जी और ड्रिल से ज्यादा ध्यान आप में था उनका। शट अप राज, मतलब शट अप रंजीत। वाह मैडम, रंजीत में भी आपको अब राज नजर आ रहे हैं। हाँ वो भी आपको ऐसे देख रहे थे, तू देख लीजिए फुटेज। देखिए मैंने तुझे कैसेट चेंज करने को बोला ना? कर चुका मैडम, कब का। बट तो बड़े सारे तलाश कर गया।